भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवाया जा रहा है। खास बात यह है कि 850 मीटर लंबे इस ट्रैक के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही टाइल्स और श्वेट को प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। ट्रैक का 60% काम पूरा हो चुका है, बाकी काम भी 4 से 5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पिछले कुछ महीने से इसका काम तेजी से चल रहा है। सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी ने बताया कि बनने के बाद इसका इस्तेमाल सभी वर्ग और आयु के लोग दौड़ने व टहलने के लिए कर सकते हैं। उनका दावा है कि यह देश का अपनी तरह का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक होगा, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा होगा। रनिंग ट्रैक को आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है ताकि सभी आयु के लोग आसानी से गर्मी, सर्दी और बरसात में इसका इस्तेमाल कर सके। इसका सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा। बरसात में अक्सर बारिश के चलते वे अभ्यास नहीं कर पाते, इस ट्रैक पर रोजाना अभ्यास कर सकेंगे।